जोशी बनाम ठाकरे, पवार बनाम पवार, मुकाबले में किसकी होगी जीत, कौन होगा चित? देखिए विश्व विख्यात ज्योतिषी पंडित राजकुमार शर्मा की भविष्यवाणी शनिवार रात 8 बजे और रविवार सुबह 8 बजे सिर्फ लमन न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। मुंबई की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर हम घर की बात करते हैं तो निश्चित रूप से घर का मतलब होता है सुख शांति और एक भविष्य को लेकर कई सारे सपने जो होते हैं वो साथ ही साथ चलते हैं। लेकिन विले पार्ले ईस्ट में ऐसे कई लोग हैं जो आज बहुत परेशान हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि उनका जो घर है वो तोड़ दिया जाएगा। हालांकि बीएमसी ने लगातार इनको नोटिस जारी किया है, उसके बावजूद बीएमसी का कहना है कि उनको जवाब नहीं दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि यहाँ के जो लोग हैं उनके मन में क्या चल रहा है ये जानना ज़रूरी है। आपसे जानना चाहेंगे, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सुनीला है। मेरे बच्चे लोग 3 हैं और हम लोग कैसे दहिसा हम लोग को दिया है, हम लोग कैसे अप डाउन करें? तीन बच्चे लोगों को कैसे मतलब लेके आए? पार्ले में पढ़ते हैं सेंट जीवियर्स में, यहाँ आने जाने का बच्चे लोग, यहाँ जगह खाली है पर दे नहीं रहे। तो इनका साफ कहना है कि इनको शिफ्ट कर दिया गया है यहाँ से, यानी शिफ्टिंग जो है दहिसर में हो गई और निश्चित रूप से विले पार्ले में इनका जो जमा जमाया सब कुछ है तो कहीं ना कहीं से इनको जो तकलीफ है वो तकनीकी रूप पर समझी जा सकती है। लेकिन अगर हम आपकी समस्या जानना चाहें, आप क्या कहेंगे? मेरा भी यही प्रॉब्लम है, मेरे 4 बच्चे हैं, सबका सुबह 7 बजे का स्कूल का टाइमिंग है और डेली अप डाउन के लिए प्रॉब्लम होगी, प्लस मेरा बिजनेस यहाँ है, सब कुछ इधर है। हम लोग को किसी हालत में किसी को नहीं जमेगा। पूरी चाल में लेडीज ज़्यादा कमाती हैं और मतलब लेडीज़ लोगों का बहुत है, तो कहाँ जाएंगे सब लोग काम करने? घर काम कर करके सब लोग घर चलाते हैं, प्लस हम लोगों का कई सालों से मकान है लेकिन उसको भी अपात्र कर दिया गया है, उसके लिए भी हम लोगों का लड़ाई जारी है लेकिन उसका कुछ भी पेपर का, कितनी जगह फाइल दिया, कितना पेपर दिया, पर कुछ भी क्लियर नहीं है। और म्यूनसिपैलिटी का कहना है कि पार्ला में जगह नहीं है और हम लोगों के चाल वालों ने सब ने निकाला है, तो 200 जगह पार्ला में खाली है, उसके बावजूद भी बाहर वाले लोगों को ला के पार्ला में शिफ्ट किया है और बाहर वालों को जो पार्ला वाले उनको बाहर भेज रहे हैं। तो वाकई इनका जो आरोप है बहुत ही गंभीर है, अगर लेकिन उसके बावजूद बीएमसी का जो नजरिया है, जो रुख है वो इनके पक्ष में नहीं है। जब घर टूटता है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से उसका जो खतरा है उस घर के टूटने के पहले से ही लोगों को परेशान कर देता है। आपका नाम जानना चाहेंगे? सर, मेरा नाम जगदीश आचार्य है। मैं भी इस हबीबाई चाल में, आज मेरा उम्र 36 है, मेरे डैडी 1960 से इधर रहते हैं। हमारे पास आर्बिट्रेटर का 74 का लेटर है जिसमें कमेंट किया गया था कि इनको ये इधर के लीगल हकदार है और इनको 3 किलोमीटर के अंदर जगह दिया जाएगा और प्लॉट भी दिखाया गया था, पर आज वो प्लॉट पे प्राइवेट बिल्डिंग खड़ा हो गया है और ये कुछ साल से 2 साल से ऐसा ये चल रहा है कि सर पे बंदूक रख के सब प्रकरण चल रहा है और इसमें कुछ खासदार आमदार सब है जो है ना, जो कुछ चीज़ को छुपाने के लिए ये हम लोग को जबरदस्ती थोप रहे हैं हर एक चीज़। आपको कहाँ शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं? हमको भी दहिसर दिया गया है, ये तीसरी टाइम आज बुलडोजर डेमोलिश का आया है। इससे पहले आया था तो बोले थे 2:30 बजे तक तुमको पेपर सबमिट करना है, हम लोग से जबरदस्ती बॉन्ड लिख के लिया गया। उसके बाद परसों आया था, जो परसों भी आए थे तो बोले अभी तोड़ेगा, अभी तोड़ेगा, चाबी नहीं कुछ नहीं, जबरदस्ती हो रहा था। आज भी ऐसे ही हो गया सर, आज भी हमने देखो जबरदस्ती सबने चाबी ले ही लिया, जबरदस्ती का ही काम हो रहा है सब। और सर हम लोग बहुत अभी कंटाल गया, देखो सब हम लोग चाल में ऐसा है, कोई सब गरीबी है सब। मैं भी खुद 27 साल से पेपर डालता हूँ सर, मैं अभी दहिसर जाऊंगा, पेपर का भी डालूंगा और क्या, आप समझ सकते हो सर। इनकी जो परेशानी है वो इनके साथ इस तरह इनसे जुड़ गई है कि ये नहीं चाहते कि वहाँ जाएं और निश्चित रूप से अगर कानून कहता है कि आपको आसपास में ही स्थापित किया जाएगा, पुनर्वसन किया जाएगा, उसके बावजूद अगर इनके मन में तकलीफ है तो निश्चित रूप से बीएमसी को भी उस नज़रिए से देखना होगा कि मानवीय आधार पर किस तरह से यहाँ के लोगों को वो शिफ्ट करने की बात करती है। आप बताइए। एक्चुअली बीएमसी का रूल है वो 269 बीएचके देने का एरिया और हमें जो अलॉट किया गया है 180 का एरिया अलॉट किया गया है, 181 रूम किचन ही है, तो उसमें इतने सब जो हमारे फैमिली है 3-3 पीढ़ी से है, तो 3-3 पीढ़ी वाले एक रूम में कैसे बैठेंगे, यही प्रॉब्लम। और बाद में इतना सर्वाइव कौन करेगा वहाँ से, दहिसर से यहाँ के, यहाँ पे हम लोग थोड़ा थोड़ा मोटा दूध का धंधा करते हैं, भट बर्तन माँजते हैं, स्कूल तो इधर तो है ही है लेकिन बर्तन भी सर्वाइव का काम है तो यही होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक सर्वेंट है, प्राइवेट कोई गवर्नमेंट सर्वेंट का कोई नहीं है, सब पब्लिक सर्वेंट है, प्राइवेट में ही है काम कर रहे।
तो बीएमसी जो अधिकारी हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हम लोग हमेशा नोटिस देते हैं, ये लोग जवाब नहीं देते, क्या कहेंगे? नोटिस का जवाब हम लोग हर टाइम में हमारे जो नवगढ़ सेवक आमदार खासदार इन लोग के पास जाते हैं। पहले हम लोग किधर जाएंगे, नगर सेवक के पास ही जाएंगे, आमदार के पास ही जाएंगे, तो वो लोग बोलते थे कि हम लोग कर रहे हैं, तुम लोग बैठो, बीएमसी के साथ हम लोग बात कर रहे हैं, बीएमसी के पास हम लोग बात करेंगे, हम करेंगे, तो इसलिए हम लोग इसे बैठे। साहब बीएमसी का नोटिस प्रिया दत्त के पास भी कल गए थे और उसके पहले 2012 में भी गए थे, प्रिया दत्त के पास गए थे, लेकिन प्रिया दत्त ने एक लेटर लिख के दिया था कापसे मैडम के नाम पे कि इनको यहाँ अलॉट कर दो, लेकिन कापसे मैडम ने वो लेटर देखा भी नहीं, उन्होंने बोला नहीं हम लोग को अभी करने का तो हम लोग करने का। ऐसे ये होने के बाद हम लोग किसके किसके पास हम लोग ये मांगे डिमांड करे क्या क्या? हाँ वो और प्रिया दत्त के पास कल गए थे तो वो आई नहीं, हम लोग जाके टाइम दे के भी गए थे, हम लोग 2:30 बजे तक वहाँ बैठे, सुबह से 10 बजे से बैठे वहाँ से 2:30 बजे तक बैठे, वेट कर रहे कि आ रहे तो उनके जो है पीए उन्होंने कहा कि अभी आज आने वाले नहीं है, तभी ऐसी मार में कौन सा हमें खड़ा कोई नहीं कर रहा है, तो आप ऐसे बोल रहे हो कि खड़ा नहीं कर रहे तो कहाँ